अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मलिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आंटी, हाउ आर यू? गेस करें। बिल्कुल, आपकी आवाज़ को कौन नहीं पहचानता। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आ सकती हूँ? रियली? कब? बस ठीक है, तो मैं रस्ते में ही हूँ। रियली? बस आंटी फौरन आ जाइए, मैं अभी आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं रस्ते में ही हूँ। आई थिंक आई शुड बी विद यू इन अबाउट 15 मिनट्स। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू बेटा, सी यू। ओह माय गॉड, आंटी इज कमिंग। मैं किचन में जा रही हूँ। अभी मेरी मलिया से बात हुई है। आई नो मलिया सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। शी हैज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई डॉटर, छोटी बेटी जो मेरी सादिया है, उसके साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ी हुई है मलिया। एंड शी इज़ मूव टू इस्लामाबाद अबाउट फ्यू मंथ्स बैक। तो मैंने कहा जब हम आई रहे, एंड शी इज़ अ वेरी गुड कुक और लाइवली वीकेंड में भी आ चुकी है, तो मैंने कहा चले जब यहाँ आए तो हम भी मौका उठा लेते हैं मलिया के घर चलने का। तो हम जा रहे हैं मलिया के घर, आपकी मुलाकात करवाएंगे मलिया से। सो स्टे विद अस। क्या हाल चाल? I'm so happy to have you. Welcome to my house. Thank you, beta. आइए, please अंदर आइए। So, और इस्लामाबाद कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद is, I believe that it's a beauty to the eyes. मतलब once you are in this city na, it grows onto you. The greenery over here, the infrastructure is amazing. No doubt. And the safety, the weather. Actually, that is the main thing. Ke, I mean, extreme weathers pe bhi ye hota hai ke, I mean, fourth day ya fifth day pe jaake, it rains and it rains so hard ki pehle to shuru mein aapko dar lagta hai, but you end up enjoying the weather. Ab maine matlab maine to yahan kabhi वो जाला बारी जो होती है वो तो मैंने कभी सुना था सिर्फ, यहाँ तो देखा है मैंने। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो यू डू द कुकिंग हियर? यस, 90% आई एम द वन हु इज कुकिंग। मेरे साथ बस सिर्फ ये होता है कि मेरे घर में जो मेरी हेल्प है, जो कुक है, साथ में जो मेड है मेरी, तो उसको मैं चीज़ें सिखाती जाती हूँ। एंड देन यू नो जो बेसिक्स हमारी घर की स्टेपल डेली की चीज़ें वो तो मैं उनको सिखा देती हूँ, बट एनी थिंग विच इज़ स्पेशली कोई दावत की जो डिशेज़ होती हैं या कोई भी ख़ास चीज़ होती है तो वो फिर मैं खुद ही खड़े होकर बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जनरली कहते हैं बस खाने को कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं, बट मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप रोटी सालन भी खा रहे हैं ना, तो जो चीज़ है रेगुलर भी तो जायका सही होना चाहिए, नमक मिर्च खाने के बाद मज़ा आना चाहिए। आपको अपनी बहू के हाथ का खाना अच्छा? जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इनके हाथ की सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? ये मेरा ख्याल है बिरयानी। आलू गोश्त भी? आलू गोश्त, मैं वैसे चिकन ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन ये कि आलू गोश्त, पालक गोश्त, इस किस्म की चीज़ें जो बहुत अच्छी बनाती हैं। इनसे ना दो चीज़ें मैंने खास करके शुरू में जो बनाती थी अम्मा, तो एक इनका कोफ्ता है, कोफ्ता बीन्स के साथ, वो बड़ी डिफरेंट डिश है, तो वो एक जो है सीखा। और दूसरा एक अरवी अम्मा बनाती हैं, वो मुझसे अरवी भी नहीं बनती था। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे सही बनती ही नहीं है। तो आज तक मैंने जिंदगी में ना खाई है ना बनाई है। मेरा आंटी यही हिसाब किताब है, और अरवी मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है। बेटा आपका फेवरेट क्या है, मम्मी के हाथ का खाना या बेगम के हाथ का खाना? अल्लाह आंटी सवाल बड़ा। बेसिक डिशेस तो सीख ली थी तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये कि इनका जो होता है वही बिरयानी और जो देसी फूड है बेसिकली, तो शी कुक्स रियली वेल बिरयानी, निहारी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ डिशेस। बट वो टिपिकल जो दालें और जो सब्जी वाला जो है वो ऑब्वियसली मूली के पराठे, टेस्ट मूली के पराठे इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। या मैंने एक चीज बनाई हुई है वेलकम ड्रिंक आप लोगों के लिए, मैं आपको एक अच्छी सी ठंडा पिलाती हूँ, उसके बाद हम किचन में चलते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या डाले?
ओके सो दिस इज कॉल्ड मैंगो टैंगो, वेरी जनरल. मैंगो मैं फ्रीजर में रखती हूँ. मैंगो प्यूरी. हाँ नहीं, साले मैंगोज आप रख दें फ्रीजर, बिकॉज सीजन भी खत्म होने वाला है. सो नाउ यू कैन स्टॉक इट एज वेल. फ्रोजन मैंगो, नो वाटर एडेड, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज जो पाउडर होते हैं. एंड इसके अंदर फिर मैंने सोडा वाटर एड अप किया है एंड चुटकी ऑफ काला नमक. यस. फिर आंटी अब मैं आपको लेके चलूं अपने किचन में. हमें भी शेफ बख्शे. आई लव करी, सो आई कांट वेट. रियली? ओह माय गॉड, इवन बेटर. इवन माय मदर इन लॉ, शी आस्क्ड मी ट्वाइस, डिड यू मेक करी? आई सेड यस आई मेड इट. आई वाज स्केयर्ड कि मैंने कहा खराब बनी है क्या हुआ, एंड शी सेड नहीं बहुत मजे की बनी है. तो बस बिस्मिल्लाह कहते हैं. आपकी सिखाई हुई चीज जरा अपने टच के साथ. अच्छा, तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी विद अ ट्विस्ट. हाँ, विद अ ट्विस्ट. तो अब बेसिकली ये होता है कि जो कढ़ी का जो आर्ट होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा जो मैं बनाती हूँ वो थोड़ा सा मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ. अच्छा. तो जब वो रहता है फिर उसके बाद उसके अंदर उसका जो टेक्सचर और उसका जो फ्लेवर आता है वो फिर उसके साथ आता है. अच्छा. तो मैंने कढ़ी के सारे आइटम्स निकाल के रखे हुए हैं और ये पकौड़ों के भी सारे आइटम्स निकाल के रखे हुए हैं अलॉन्ग विद द बघार जो उसमें पड़ेगा. सबसे पहले दही, मैंने 1 kg फिटी हुई दही ली और उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला पिसा हुआ प्याज. ये वाला? यस. yes. एक प्याज जी. समझे कि 1 kg में आई हैव टू यूज 7 to 8 टेबलस्पून ऑफ पिसी हुई. हाँ, तो एक बड़ी प्याज हो गई. ठीक है, अंदाजन वो हो गया. बेसन 3 to 4 खाने के चम्मच. ठीक है. लहसुन पेस्ट, मुझे बहुत पसंद है लहसुन, तो मैं 2 खाने के चम्मच से 2.5 खाने के चम्मच डालती हूँ. ठीक है, वो डाला मैंने इसके अंदर. ठीक है. पिसावा? पिसावा और हर चीज़ इसमें पिसी. पिस हल्दी, हल्दी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कढ़ी. तो वो मैंने आई टुक इट वेरी होलसमली, 1 teaspoon मैंने भर के डाली कढ़ी. ठीक है. पिसी हुई लाल मिर्च हसबे जायका, मुझे हमारे यहाँ 1 चाय की चम्मच खाई जाती है. ठीक है, जिसको चटपटा खाने. लेकिन आपका जो कड़ी, आई एम सॉरी बीच में बोल रही हूँ, जो कड़ी का कलर आया है उसमें लग नहीं रहा है कि आपने लाल मिर्ची डाली है. डाली भी है. हाँ. It's very spicy. अच्छा. And मेरे ख्याल में होता ही है कि जब आप कुछ पका रहे होते हैं तो साथ साथ यू आर टेस्टिंग इट एज वेल कि द टेस्ट, द फाइनल टेस्ट निकलेगा कैसा. तो इसमें लाल मिर्च पिसी भी डाली हुई है मैंने. ठीक है. थोड़ा सा बराए नाम पिसा हुआ जीरा डाला है बिकॉज उसका फ्लेवर्स की खुशबू बहुत अच्छी आती है. नमक डाला हुआ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड में मैंने इसके अंदर 1 to 1.5 या 2 ज़रूरत पड़े तो लेमन का जूस. अच्छा. जस्ट लीव इट फॉर 1/2 hour. ओके. ये सबको मिक्स किया? मिक्स किया और छोड़. एंड छोड़. अच्छा, एक दफ़ा मैं बताती हूँ. प्याज पिसी हुई. यस. एक बड़ी प्याज पिसी हुई. बेसन 4 to 5 tablespoons. 1 teaspoon हल्दी और 1 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर. 1 teaspoon नमक या टू टेस्ट और पिसावा जीरा थोड़ा सा और ये लेमन जूस. एक नींबू को निचोड़ दीजिएगा और सबको अच्छी तरह विस्क करके थोड़ी देर छोड़ दें ताकि उसका फ्लेवर निकले. बिल्कुल ठीक. तो ये जो है मैंने कोई समझे कि हार्डली 30 to 40 minutes बिफोर मैंने छोड़ा है. तो इसका जो रंग आया है वो ये इस तरह से आया है बिकॉज द राइट कलर हैज़ टू बी देयर. एंड जो मुझे टेक्सचर चाहिए था बिल्कुल स्मूथ, तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ मिली है. इसमें मुझे कोई घुटली या कोई चीज़ नहीं चाहिए. ठीक है. तो इसको हम लोग जो है ना, अब जब वंस यू डन विद दिस, फिर इसको हम फ्लेम ऑन करके इसको सबसे पहले. अच्छा, और फ्लेम ऑन करके आप उसको हिलाते रहना है ना? बहुत देर तक नहीं. हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे के. और ये कि पानी का तनासुब जो इसमें डालें तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि कढ़ी बहुत पतली भी ना हो जाए और बिल्कुल वो पक्के एकदम गाढ़ी भी ना. ठीक. तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं. अच्छा जी, हमने अपनी कढ़ी चढ़ा दी है और ये मैंने इसको
अच्छा हिलाएंगी नहीं, अभी नहीं आती, थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, एक उबाल के बाद फिर जब उबाल आ जाएगा तो देन आई विल कीप ऑन स्टीयरिंग इट, बहुत हल्का हल्का आराम आराम से। अच्छा जो दूसरा इसका जो एलिमेंट है वो पकौड़ा, क्योंकि पकौड़ों का मिक्सचर थोड़ा सा पहले से नहीं रेडी करें ना तो वो फिर फ्लफी नहीं बनते। अच्छा आलू बिल्कुल बारीक कटे हुए, प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया और हरी मिर्च बिल्कुल ठीक, ये सब चीज करके आपने इसको ब्लेंड कर दिया एंड देन आप इसको फिर डीप फ्राई करें। मैं थोड़ा सा अभी मैं स्टार्ट ऑफ कर देती हूँ, तीन चार पकौड़े आप लोगों के सामने बना देती हूँ, फिर उसके बाद जो है जब मुझे गरम खाना भी बिल्कुल मैं भी बना के आपको दे रही हूँ, नॉट टू वरी, मैंने अभी अभी आपको दे रहा है। अच्छा ये कढ़ी के अंदर एक उबाल आ गया है तो अब इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ी देर में मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। आप पकौड़ों को कढ़ी में डाल के नहीं पकाते? नहीं, एंड में, ताकि ये जो है घुल ना जाए और बहुत ज़्यादा जो है ना सॉगी ना हो जाए। ये थोड़े सख्त मैंने इसलिए बनाए ताकि ये जब आप खाएंगे ना पकौड़ों की कढ़ी में तो आपके हाथ में सालम आएगा। नाइस, बस अब मैं मज़ीद पकौड़े तलती हूँ और जब तक आप इसको नॉश फरमाएं थोड़े से पकौड़े अलग से। नहीं बस दिस इज इनफ। चलिए ठीक है जी। अच्छा कढ़ी में ये है कि जी अब चूँकि पेंदे में लगना शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब बेस में, तो आप बगा देंगी। हाँ आंटी, तो अब ये है कि मैं इसको मुसलसल चलाती रहूँगी क्योंकि अब ये कर्डल करना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है जी, तो ये थोड़ी देर में जैसे रेडी होता है पानी दूँ आपको। अच्छा जब तक मैं इसमें अपना घर का काम करती हूँ, पकौड़े फिनिश करती हूँ, हम बैठे। ओके बेटा, ठीक है चलिए। अब कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, इसके अंदर अभी सबसे पहले हमने पकोड़े डालने, लेकिन सबसे पहले मैं बघार तैयार कर रही हूँ क्योंकि बघार जो है ना पकोड़े डालने के साथ ही मुझे बघार भी लगाना होगा। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बिल्कुल हॉट ऑयल के अंदर इसको लहसुन पहले डालेंगे, मैंने साबित लिया है, आप लोग चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करेंगे तो ज़रा सा इसको जो है स्टर ज़्यादा करना होगा आपको ताकि ये क्रिस्पी रहे। इसको अब हम डिश आउट करेंगे, ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैंने एक मिनट इसको दिया है बिल्कुल धीमी आंच में कि ये ब्लेंड हो जाए फ्लेवर। तो मैं इसको चूल्हा ऑफ करके अब इसको डिश आउट करें। ऑल राइट जी, थोड़ा सा ये जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आए डिश में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आंटी आपको इसकी शक्ल पसंद आ रही हो, शक्ल क्यों सिर्फ टेस्ट नहीं, शक्ल खुशबू जायका सबसे पहले होता है, पॉइंट्स वहीं गिर जाते हैं जब शक्ल से खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। आपने क्या क्या बनाया है जी? आज हमने मेन्यू में रखे हैं चपली कबाब चिकन के, हमने बनाया चिकन का दम कीमा और कढ़ी चावल और चार तरह की चटनियाँ सब होंगे। तो कौन कौन? ये है तुरई की चटनी, सिर्फ टेस्ट करिएगा। अच्छा ये है केरी की चटनी, ये है हरी धनिया, हरी मिर्च, हरी धनिया मिंट की चटनी, और ये हमारे घर का खास जो चिली ऑयल जिसे हम कूचा कहते हैं। क्या कहते हैं? कूचा, बिहारी डिश है। तो ये अम्मी लोग की रेसिपी है आपके घर की? नहीं ये हमारी तरफ की है, ये बेसिकली चिली ऑयल अंग्रेज लोग कहते हैं लेकिन हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। ये बड़ी एज हुई है तो ये 3 साल पुरानी चटनी है। ओ, और इसका जो स्पाइस लेवल होता है ये सिर्फ आलू के पराठे या बेसन की रोटी या कढ़ी चावल, ये सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा खाया जाता है टू गिव अ फ्लेवर। आपने लाइवली वीकेंड पे क्या कर सिखाया था? आप 2 दफा आए हो ना? हाँ मैंने, नहीं मैं 4 दफा आई हूँ। 4 times
मैंने उसमें एक दफ़ा तो स्पेशल हमारी जो मटन की मटन लेग रोस्ट होता है वो मैंने सिखाया था, फिर एक दफ़ा मैंने मेडिटेरेनियन चिकन रोस्ट सिखाया था, चटनी कई तरह की बनाई है, बाल्टी गोश्त मेरा बड़ा फेमस है वो मैंने बनाया था बीफ का। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं तो हर चीज़ बना लेती हूँ, मोस्टली तो टमाटर गोश्त चावल बनाया, मेरे हस्बैंड टमाटर गोश्त चावल बहुत पसंद थे उनको, गोश्त टमाटर गोश्त चावल या चने की दाल गोश्त चावल इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत सिंपल जो रोज़ाना के काम होते हैं, रोज़ाना के खाना मुझे भी अच्छा। आई लाइक चिकन, अम्मा हैज बॉयकॉटेड चिकन कम्प्लीटली फ्रॉम हर लाइफ, ही सेज चिकन, बट द प्रॉब्लम इज दैट बच्चे एंड चिकन इज इजी टू कुक, लेस कुकिंग टाइम। आपको खाना पिलाने का शौक है? मैं अंडा बना लेता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत yes I can fix up something for myself like sandwiches and but not real into cooking and stuff, plus ये कि मैं थोड़ा सा I am more of a roti kind of a guy than a chawal person, तो मैं prefer ये करता हूँ कि roti खाने पसंद है generally, yes special like hot dawat sometimes is good but not always, yeah, तो It's good food, simple food is good. बहुत अच्छी बनाते हैं वैसे। Amazing. अच्छा चाय मुझे आती नहीं बनाने। Believe it. मुझे भी नहीं आती थी, फिर मैंने बना बना के मैं चाय नहीं बना सकती, अच्छी चाय मुझे नहीं आती। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। आज 6th एपिसोड थी जायके घर घर की, इस्लामाबाद से मलिया मुनीर के घर आए हैं, ये इनकी सास से मिलके बहुत खुशी हुई, हस्बैंड से मिलके, दो बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटा बेटी, आपको पीछे सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच मलिया, बहुत शुक्रिया, टू ऑनर, बहुत मज़ा आया, और कड़ी तो आपकी वाकई बड़ी नज़दीक की है, बहुत शुक्रिया, मतलब आप देखो ना कि उसके पास हमें खड़ा नहीं रहना पड़ा, बिल्कुल ऐसे, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच मलिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं आपकी वो डेजर्ट क्वीन से मुलाकात करेंगे, बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अब एक और एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे और ये प्यारी सी फैमिली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर, थैंक यू वंस अगेन मुनीर एंड मलिया, अल्लाह हाफिज़।